वेलकम टू शुभम टेक आज मैं आपको टाटा टियागो का जो लाइटिंग सिस्टम है उसमें जितने भी फंक्शन है सारे एक एक करके आपको बताने वाला हूं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फंक्शन अगर आप अपनी हेडलाइट देखिए कार में दो तरह की हेडलाइट होती है एक छोटी हेडलाइट होती है एक बड़ी होती है दोनों में आपको दिखा देता हूं पहले देखिए इसमें एक छोटा बल्ब होता है ये और ये मेन बल्ब होता है okay. तो जैसे कि मैंने आपको बाहर दिखाया छोटा बल्ब और मेन बल्ब अगर आप केवल छोटा बल्ब जलाना चाहते हैं कार का तो आपको एक बार ऐसे रोटेट कर देना है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे की लाइट जल जाएगी अब आगे की जो लाइट्स है वो जल चुकी है छोटी वाली मैं जल्दी से बाहर चल के आपको दिखाता हूँ देखिए अभी मैंने एक बार घुमाया था तो केवल ये छोटी वाला बल्ब है वो जला है मेन हेडलैम्प हैं वो नहीं जली हैं अब इस सॉकेट को मैं एक बार और रोटेट कर दूंगा क्लॉकवाइज तो अब मेरी जो मेन हेडलैम्प हैं वो जल चुकी है मैं आपको दिखाता हूं देखिए मेरी मेरी जो मेन हेड हेडलैंप्स है कार की वो जल चुकी है अब इस केस में देखिए छोटा बल्ब और दोनों मेन बल्ब दोनों जल रहे हैं ओके तो ये तो रहा कि आपको हेड हेडलैम्प्स और छोटी वाली लाइट कैसे जलानी है अब देखिए कार की जो लाइट्स होती हैं एक होती है लो बीम दूसरी होती है हाई बीम अगर मैं इस सॉकेट को ऐसे नीचे की ओर ढक्का मार दूंगा तो मेरी हाई बीम है वो स्टार्ट हो जाएगी मतलब बिल्कुल सीधे दिखाई देगा मेरी कार से लाइट्स के द्वारा तो देखिए कैसे लाइट सीधी हो गई और ऐसे में हम लो बीम करना चाहते हैं तो इस सॉकेट को हमें ऊपर की ओर धक्का मारना है कुछ इस तरीके से तो जैसे मैं ये करूंगा तो देखिए मेरी जो लाइट है हाई बीम से लो लो बीम हो जाएगी देखिए लो बीम हो गई अब चलिए लाइव में आपको दिखा देता हूं जैसे मैं इसे नीचे करूंगा तो देखिए हाई बीम हो जाएगा अब सीधे लाइट जा रही है और यहां पर भी इंडिकेटर जल जाता है हाई बीम का और लो बीम करना चाहता हूं तो मैं इसे ऊपर करूंगा तो लाइट नीचे हो जाती है ये तो रहा लो बीम और हाई बीम अब मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये चीज क्यों दी होती है इससे क्या है कि जब हमारी हमारी जो कार की हेडलैम्प लो बीम पर होती हैं, तो हम अपनी जो कार की हेडलैम्प है ना उसे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अभी देखिए तीन नंबर पर सेट में से दो नंबर पर करता हूं तो देखिए क्या होगा तो जैसे ही मैं दो देखिए दो नंबर करा तो लाइट उप, नीचे से ऊपर हो जाती है देखिए ना मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूं तो लाइट अभी कहां तक आ रही है इस जगह तक देखिए मेरी लाइट उठ गई है अब मैं इसे दो से एक पर लाता हूं तो देखिएगा लाइट कैसे हो जाएगी देखा आपने अब मैं एक से जीरो पर लाऊंगा तो लाइट और ऊपर हो जाएगी मेरी तो ये फंक्शन इसके काम करता है तो चलिए मैं एक साथ करके दिखाता हूं थ्री से जीरो लाइट में तो कितनी लाइट ऊपर नीचे होती है तो अभी मेरा जीरो में थ्री पे कर दूंगा इसे तो देखिए ना लाइट कितनी नीचे हो जाएगी देखा लाइट कितनी नीचे हो चुकी अब मैं इसे ऊपर करता हूं जीरो पे तो देखिए लाइट कितनी ऊपर हो गई तो आप इसे लो बीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे लो बीम होती है काफी नीचे होती है तो आप इसे भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप इसे जीरो पे जितन, जितना कम पर सेट करेंगे ऊपर उतनी ही ऊपर उ... लाइट आएगी अगर मैं तीन पर सेट कर दूंगा इसे तो देखना कि मेरी लाइट नीचे हो जाएगी ओके तो ये नंबर जितना छोटा होगा लाइट उतनी ही ऊपर होगी तो ये तो रहा लो बीम हाई बीम और लाइट को एडजस्ट करना अब इंडिकेटर भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप राइट की तरफ करोगे तो इंडिकेटर राइट का जल जाएगा देखिए लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर जल जाएगा अगर आप इसे थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो बंद हो जाता है एक एक लास्ट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जैसे कि अभी मेरी हेडलैम्स जल रही हैं अगर मैं चाबी निकालूंगा और गेट अपना ओपन करूंगा तो कार में एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है जो कि आपको बताता है रिमाइंड करता है कि आपकी लाइट्स जल रही हैं तो देखिए मैं जैसे चाबी निकालूंगा और गेट तो एक अलार्म बजेगा कार में यह अलार्म इसलिए बज रहा है मुझे ये बता रहा है कि आपकी हेडलैंप जल रही है तो इसे मैं बंद कर दूंगा तो अलार्म बंद हो जाता है तो यही फंक्शंस थे पूरे राइट साइड के स्टेयरिंग व्हील के लाइट से संबंधित जितने भी थे फ्रेंड्स uh, इससे पहले मैंने जो कि जो टाटा टैगो होती है उसका म्यूजिक सिस्टम में जितने भी फंक्शंस होते हैं ए टू जेड सबकी वीडियो बनाई है आपने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना टाटा टैगो के म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएंगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कह कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जय हिंद जय भारत